लेकिन उससे पहले ही एबीपी गंगा आपको बता रहा है उत्तराखंड के मंत्रिमंडल की शक्ल कैसी होगी, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी दोबारा से मंत्री पद की शपथ लेंगे और चंदन रामदास पहली बार मंत्री बनेंगे। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं सीएम आवास का। अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अवधेश, क्या अपडेट मिल रहा है, कब तक सीएम आएंगे? बिल्कुल, देखिए 2 बजे का अपडेट मिल रहा है कि 2 बजे सीएम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन देखिए अब तस्वीर दिखाते हैं। सीएम की बात लोगों ने मान ली है, उन्होंने जो अपील की थी पोर्च पर आकर कि आप लोग शपथ ग्रहण के लिए निकलिए, तो लोग निकलना शुरू हो गए। देखिए ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं अब वो बाहर जा रहे हैं और ये सब लोग अब परेड ग्राउंड की तरफ रवाना होंगे, तो धीरे धीरे अब सीएम आवास खाली हो रहा है। देखिए इधर भी जो भीड़ थी वो काफ़ी कम हो गई है, तो अब जो सारा फोकस है वो परेड ग्राउंड की तरफ है और जो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, क्योंकि अब आखिरी चरण में है पूरा यहाँ का कार्यक्रम और जानकारी यही मिल रही है कि 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से रवाना हो सकते हैं। तो देखिए तमाम लोग हैं, अब जाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, लोग निकल रहे हैं, तो अब धीरे धीरे ये जो लोग हैं ये निकलेंगे परेड ग्राउंड की तरफ, वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। देखिए ये तमाम लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों से अभी बुलाकर मुलाकात की जो खटीमा के कार्यकर्ता थे, और उसके बाद अब तैयारियाँ चल रही हैं कि लोग निकले। देखिए ये तमाम लोग हैं, ये आप लोग की मुलाकात हुई क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हो पाई है। आप मिल पाए? हाँ मिल ली एक बार, अभी दोबारा मिलेंगे। दोबारा मिलेंगे। देखिए अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ छट गई है, अब लोग यहाँ से चले गए हैं और कुछ लोग अंदर जा भी पा रहे हैं। तो देखिए यही वो तस्वीर है, हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, और जो माल्यार्पण किया था, तो देखिए ये जो शहीद भगत सिंह से संबंधित जो आज दिन है, तो आज भगत सिंह को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए वही तस्वीर हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा भी रहे थे, और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे, तो मिलने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अभी भी लोग, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये इस आस में है कि मुलाकात शायद मुख्यमंत्री से हो जाए। कहाँ से आए आप? हमारे सहारनपुर से। होने वाली है अभी? होने वाली है। जी जी, मैसेज आया है? हाँ मैसेज आया, उम्मीद है। आप सहारनपुर से? जी जी, ठीक है। देख कुछ और लोग, आप कहाँ से आए? देहरादून राजपुर रोड से। बस अभी मुख्यमंत्री जी तो अभी कह रहे हैं आप लोग अब शपथ ग्रहण के लिए जाइए, वहीं मुलाकात। हाँ बस अभी वहीं निकलने वाले हैं अभी। हाँ कुछ और लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? खटीमा से हैं सर। आप तो उन्हीं के क्षेत्र? जी जी। बहुत सारे लोग आए गए? जी बहुत सारे लोग। देखिए गुलदस्ते, ये कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ और खास लोग आए हैं, और लगातार जो विशिष्ट लोग हैं उनसे मिलने का क्रम जारी है। तो ये अभी 2-3 लोगों को अंदर एंट्री मिली है सीएम आवास के भीतर, तो ये लगातार तस्वीरें चल रही हैं। बताइए कि कहाँ से आए? सहारनपुर से आए हैं। जी जी, और मुलाकात होगी उम्मीद है। ठीक है, आप कहाँ से? आप भी मुलाकात? जसपुर विधानसभा से मुलाकात होगी। देखिए तमाम लोग, ये भी कार्यकर्ता हैं, आपको तो कार्ड मिल गया है, आप जा नहीं रहे हैं परेड ग्राउंड? अभी जा रहे हैं, विधायक जी हमारे अंदर हैं। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया वहीं मिलेंगे? ना वहीं जा रहे हैं, वो सभी लोग वहीं जा रहे हैं। हम लालकुआ विधानसभा से आए हैं, हरीश रावत जी को हरा के आए हैं। मोहन सिंह जी ज़्यादा उत्साहित हैं? जी जी। हम लोग मेरठ से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो देखिए अब आखिरी चरण चल रहा है यहाँ पर, हालांकि भीड़ तो अच्छी खासी यहाँ से छट गई। देखिए बहुत सारे लोग जो थे वो जा चुके हैं, और मैदान तो ये पूरा खाली हो चुका है, जहाँ पर अभी तक पैर रखने की जगह नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो परेड ग्राउंड की तरफ शिफ्ट कर रही है, और थोड़ी देर में यहाँ सन्नाटा होगा और मुख्यमंत्री लगभग 1 घंटे में यहाँ से रवाना होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और एक आखिरी जानकारी चलते चलते ये भी दे दें अब देश की, अंदर कौन कौन अभी मौजूद है और कब से ये बैठक चल रही है अंदर? देखिए बैठक तब से चल रही, जो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि पहले मुख्यमंत्री टपकेश्वर महादेव मंदिर गए 10:15 बजे, और उसके बाद वो गुरुद्वारे से जब लौटे थे तब से बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है, और इन बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा। अभी बहुत कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात हुई, जो बेहद करीबी कार्यकर्ता था थे उनसे मुलाकात हुई, अभी 2-3 लोगों को और एंट्री दी गई है, तो ऐसे मुलाकात चल रही। लेकिन सीएम अभी इस वक्त ऊपर जो अपने पोर्ट से जो पहला मंजिल है वहाँ पर गए हैं, क्योंकि मैंने कई बार बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो दर्शक न सुन पाए, कि मुख्यमंत्री के लिए का दिन बेहद खास है दो नजरिए से। एक तो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं, दूसरा उनके बड़े बेटे का जन्मदिन भी है, तो उसी बड़े बेटे के साथ अभी मुख्यमंत्री ऊपर की तरफ गए हैं, तो पारिवारिक कार्यक्रम है ही और शपथ ग्रहण है ही, तो ये पूरी तस्वीर है। और तमाम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं जो खास लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग अब इंतजार की दीर्घा में बचे हैं, और विधायक लगभग सारे जा चुके हैं, अभी जो भीड़ हमने दिखाई थी वो विधायक यहाँ से निकल चुके हैं, तो कुछ मान सकते हैं कि 6-7 लोग या 10 लोग बचे होंगे।